हेलो एंड वेलकम दोस्तों, टेक्निकल एस के चैनल में आपका स्वागत है। तो आज की इस वीडियो में मैं आपके लिए लेकर आया हूँ वीवो वी इलेवन प्रो एंड वीवो वी इलेवन के लिए नोटिफिकेशन स्लाइड। जी हाँ दोस्तों, तो जुड़े रहिए मेरी इस वीडियो के साथ। लेकिन उससे पहले मैं आपको बता दूँ कि फ्रेंड्स, कई सब्सक्राइबरों ने मुझे कमेंट में पूछा है कि जो वीवो वी इलेवन प्रो जो है उसमें रेड लाइट डिम करती है, ठीक है। तो मैं आपको बता देता हूँ, वो रेड लाइट जो है वो रेड लाइट नहीं है, वो सेंसर है जो अपना वर्किंग करता है तो आपको शो होता है, ठीक है। तो आपको क्या करना है फ्रेंड्स, मैं आपको सीधा से वीडियो पे लेके जाता हूँ। देखिए फ्रेंड्स, मैं आपको इसमें अच्छे से ट्राई करके दिखाने वाला हूँ। सबसे पहले आप यहाँ पे चले जाएंगे प्ले स्टोर में और यह लिखेंगे लेड ब्लिंकर, ठीक है। जैसे आप इतना लिखेंगे तो यहाँ पे आपको ये एप्लीकेशन मिल जाएगी, इसको आपको डाउनलोड कर लेना है, ठीक है। डाउनलोड करने के बाद इसको ओपन करेंगे और ओपन करने के बाद में आपको यहाँ पे इसको सेटअप कर लेना है। सेटअप करने के बाद यहाँ पे इसको एक्सेप्ट का ऑप्शन पूछेगा आपको, और यहाँ पे इसको परमिशन दे देनी है और सेट कर लेना है अलाउ करने के बाद, ठीक है। इसको बैक हो जाना है, उसके बाद यहाँ से एक्सेप्ट कर देना है। एक्सेप्ट करने के बाद यहाँ से अपना कलर सिलेक्ट कर सकते हैं। बैटरी चार्जिंग कंप्लीट होने पर आपको ये जो कलर लगाना है वो लगा सकते हैं, और बैटरी लो स्टेट पे जो लगाना है, स्टेटस पे जो लगाना है वो लगा सकते हैं। जीमेल पे, जीमेल मैसेज नोटिफिकेशंस पे आप ये लगा सकते हैं। मिस कॉल पे भी आप कोई भी चेंज कर सकते हैं जो आपको पसंद आए, ठीक है। उसके बाद आपको यहाँ टेक्स्ट मैसेज पे भी आप कोई भी कलर सेलेक्ट कर सकते हैं। तो देखिए मैं टेक्स्ट मैसेज पर ही कर देता हूँ। उसके बाद फ्रेंड्स, अब आपको क्या करना है, इसको देखिए फ्रेंड्स, अब यहाँ पे ऐड हो गया है। अब आपको सेटिंग में चले जाना है। सेटिंग में जाने के बाद वहाँ आपको यहाँ पे कॉमन सेटिंग पे क्लिक कर देना है, और यहाँ से बैक टाइम वगैरह सिलेक्ट कर लेता है कितना टाइम लगाना है। बैटरी लेवल आप लगा सकते हैं, बैटरी लेवल मतलब कि सो करंट लेवल बैटरी पे जो भी सेट करना है वो आपको कर सकते हैं। आप सारी सेटिंग अच्छे से देख लेनी है, और उसके बाद में आपको यहाँ स्क्रीन लेट पे क्लिक करना है। और यहाँ पे आप स्क्रीन लेट पे क्लिक करने के बाद आपको क्या करना है, ओके कर देना है, और उसके बाद यहाँ पे टाइम सेलेक्ट कर लेना है कब से कितने टाइम से कितने तक करना है आपको। तो यहाँ पे 24 आवर्स अगर ऑन रखनी है तो आप 24 आवर्स सेलेक्ट करके और साइज़ वगैरह, टेक्स्ट साइज़ वगैरह सेलेक्ट कर सकते हैं यहाँ से। और उसके बाद आपको क्या है कि कुछ नहीं करना है और बैक हो जाना है फ्रेंड्स। अब आपको क्या, मैं आप इसमें आपको दिखा तो नहीं सकता कि क्योंकि मैं ये स्क्रीन रिकॉर्डिंग कर रहा हूँ। अगर आप, मैं आपको अपने फ़ोन पे कॉल करके दिखाऊंगा और आप मेरा फ़ोन की स्क्रीन ऑफ करूँगा तो लाइट ऑफ हो जाएगी। तो इसके लिए मैं आपको दूसरे फ़ोन से अपनी वीडियो बना के आपको अच्छे से दिखाऊँगा, वो तो जिसमें आपको वर्किंग करते हुए भी दिखाएगी। बट मैं आपको इतना काफ़ी है कि मैंने आपको बता दिया, तो इससे आप अपने फ़ोन में ट्राई करके देख सकते हैं, अच्छे से वर्किंग करेगी, आपको नोटिफिकेशन लाइट देगी। तो आशा करता हूँ आप लोगों को मेरी ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें, और हाँ कमेंट करके बताएं कि आपको वीडियो कैसी लगी। तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।